हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ट्रांसपिरेटरी सिस्टम में ब्लड और हार्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। देन जो ब्लड है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो फूड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन का इजीली ट्रांसफर हो पाता है और ब्लड का कलर रेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन को इसीलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब इस ब्लड को जो पंप करता है, वो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। हार्ट कार्डिक मसल से बना होता है और थोड़ा सा कैविटी में लंग्स के पीछे डायफ्राम के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड होता है। हार्ट के होते हैं चार चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जो एट्रियम्स होते हैं, इनके एंड्स में लगे होते हैं वाल्व्स ताकि ब्लड उल्टा ना फ्लो कर सके। एंड जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इनकी वॉल्स होती हैं थिक, क्योंकि इन्हें काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड को आगे भेजना होता है। जो सुपीरियर वेना कावा होती है, वो अपर बॉडी से, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 रिच ब्लड को लेकर के आती है राइट एट्रियम में। देन वो उस ब्लड को भेजता है राइट वेंट्रिकल में। पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड जाता है लंग्स के पास। लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन डालते हैं, फिर पुलमोनरी वीन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम में। एंड लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन आयोटा के थ्रू वो ब्लड चला जाता है पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी में तीन टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी, वी और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इनकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है, वो आर्टरीज का ही नापा जाता है, इसलिए इनकी वॉल्स थिक होती हैं, क्योंकि ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ फ्लो करता है। पुलमोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड आयोटा हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट आर्टरी है। देन जो वीन्स होती हैं, वीन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि ब्लड को उल्टी डायरेक्शन में ले जाना होता है, तो ताकि ब्लड वापस वहीं पे ना चला जाए, इसलिए वीन्स के अंदर होते हैं वाल्व्स, और वीन्स के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए इनकी वॉल्स थिक और इलास्टिक नहीं होती हैं। बॉडी की सबसे बिगेस्ट वी है वेना कावा, और पुलमोनरी वी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। देन इसके बाद आती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होती हैं, वो आर्टरीज और वीन्स के डिवाइड होने के बाद बनती हैं। ये वन सेल थिक होती हैं और बहुत ही पतली होती हैं, और कैपिलरीज जो होती हैं, ये हर एक जगह तक ब्लड पहुंचाने में हेल्प करती हैं। देन इसके बाद जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब वो रिलैक्स होता है, तब उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120 mm of Hg से लेकर 80 mm of Hg। देन इसके बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, तो उसके बाद अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। अब स्फाइगमोमीटर का यूज़ करके डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर नापते हैं।